सच है तो दिखेगा। वित्त मंत्री ने पेश किया 2021-22 का बजट। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, डीजल पेट्रोल पर बढ़ा सेस। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई। न्यूजीलैंड भारत की खबर का असर। धनबाद के भेलाटांड में फर्जी डीड से जमीन खरीद बिक्री मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विजन प्लान 2023 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी, चिकित्सक और शिक्षाविद हुए शामिल। धनबाद सिटी सेंटर कमर्शियल एसोसिएशन का 3 फरवरी को सामूहिक भूख हड़ताल। मार्केट में अवैध दुकानों को हटाने की मांग। और धनबाद केंदुआ के मछलीपट्टी कचरे में बदमाशों ने छिपा रखा था बम। खेलने के दौरान विस्फोट से 3 बच्चे घायल, 1 जिंदा बम भी बरामद। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद की खबरों की बात करेंगे, मगर उससे पहले बात करेंगे आम बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने बजट में पारदर्शिता की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। इस बार टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला और 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए। बिजली क्षेत्र, रेलवे और मेट्रो के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। Budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th minimum government and maximum governance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर
इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमन ने सीनियर सिटीजन के लिए भी स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। उन्हें ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा, वहीं टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वो वैसी की वैसी ही रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। बात करेंगे धनबाद की खबर की, जहां न्यूज 11 भारत की खबर का एक असर हुआ है। गोविंदपुर अंचल के भेलाताड़ में फर्जी डीड के माध्यम से दूसरे की जमीन खरीद बिक्री का मामला। क्रेता कोयला कारोबारी नरेंद्र कुमार कन, विक्रेता बद्री सिंह समेत 5 लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बरबड्डा थाना में गोविंदपुर CO ने मामला दर्ज कराया है। हमने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, किस तरह से जमीन की लूट की जा रही है। फर्जी डीड के माध्यम से ये पूरा गड़बड़ झाला किया गया था और इस खबर का असर हुआ है, जहां CO ने बरबड्डा थाने में मामला दर्ज करवाया है। धनबाद कोलांचल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर वजन प्लान 2023 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी, चिकित्सक एवं शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए वजन रखा गया। इस रिपोर्ट में इस पूरे बैठक के सार को समझते हैं। धनबाद कोयलांचल में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विजन प्लान 2023 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए एक्सपर्ट टीम के सर्वे, निजी अस्पतालों के प्रबंधन का तरीका और सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली को समेकित तौर पर चर्चा का विषय रखा गया। कवायद ये है कि सरकारी अस्पतालों को CHC लेवल तक के कैसे मॉडल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मुहैया कराई जाए। उपायुक्त उमा शंकर सिंह के इस प्रयास की डॉक्टर सराहना कर रहे हैं। ये विजन रखा है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं है। और हम समझते हैं कि एक तरह से नया इनका सोच है और पूरे राज्य के लिए और देश के लिए ही काम आएगा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत घोर कमी है चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की। स्टाफ को सजेशन दिए कि आप इस पर ध्यान दीजिए, पहले रिक्रूटमेंट करिए और साथ साथ अगर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है तो साथ साथ प्रत्यक्ष, ताकि डॉक्टर हमारे आके बैठे नहीं रहे। उनको बहुत ही अच्छा है और इतना वेल प्लान है कि इस पे तो काम करने में हर किसी को मजा आएगा। जो काम करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हाँ, इसमें ये प्लान हुआ है कि जो नहीं काम करते हैं, जो नहीं काम करेंगे उनका भी इवैल्यूएशन होगा। ये बहुत बड़ी प्लान से मुझे लगता है कि अब PSC लेवल पे भी काम होगा। और जैसे कि CSC का बोले कि एक मॉडल तैयार होगा और वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, सदर हॉस्पिटल के अंदर में काम करेगा, तो मुझे लगता है कि गरीब पेशेंट लोग को इससे बहुत ही भला होगा। दूर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने मॉडल विद्यालय के तर्ज पर सैटेलाइट विद्यालयों को डेवलप करने पर बल देने का प्लान तैयार किया है। आमतौर पर ऐसे तरीके से विद्यालयों को सुसज्जित किया जाए जहां बच्चे आने के लिए बाध्य हों, बगैर हेडमास्टर एक भी स्कूल ना हो। इसमें हम लोगों ने यही कमिटमेंट किया है कि हम सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की ओर कार्य करेंगे। उसके अतिरिक्त 10 प्रखंडों में हर प्रखंड में एक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जहाँ पर 24/7 सभी बेसिक हेल्थ की सुविधाएँ रहेंगी। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप 262 विद्यालयों का चयन किया है, जिसको लीडर स्कूल के रूप में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। सभी पंचायतों में तो एक एक लीडर स्कूल रहेंगे ही रहेंगे, अर्बन एरिया में भी कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है। बहरहाल
जिले के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर डिस्ट्रिक्ट विजन प्लान 2023 तैयार किया जा रहा है, अगर इसे धरातल पर उतारने में कामयाबी मिली तो ये सिर्फ धनबाद या झारखंड के लिए ही नहीं, देश के लिए भी अनुकरणीय होगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। SNMMCH धनबाद में MBBS नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे पहले ऑडिटोरियम परिसर में नए छात्रों को शपथ दिलाई गई और वेलकम सेशन का आयोजन किया गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने चिकित्सा को करियर के तौर पर चुनने के लिए छात्रों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज के स्टडी के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, हॉस्टल्स के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, लाइब्रेरी के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, एकेडमिक सेशन के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, सब बच्चों को समझाया गया और आज के बाद इसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हम सबों ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएँ दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कॉलेज के स्टडी के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, हॉस्टल्स के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, लाइब्रेरी के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, एकेडमिक सेशन के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, सब बच्चों को समझाया गया और आज के बाद इसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हम सबों ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि विधानसभा की क्रियान्वयन समिति धनबाद के दौरे पर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में समिति ने विभागीय समीक्षा बैठक की। समिति ने जिले में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष रूप से जानकारी हासिल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को बेहतर सुविधा के लिए विभागीय पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। समिति के पदेन सदस्य टुंडी विधायक सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने भी भाग लिया। समिति मंगलवार को NNMMCH सदर अस्पताल, पॉलिटेक्निकल आदि का निरीक्षण कर व्यवस्था की जानकारी हासिल करेगी। उन्नयन समिति जो है झारखंड सरकार के, आज दौरे पर हम लोग धनबाद पहुंचे और धनबाद में जो जो माननीय सदस्य का प्रश्न विधानसभा के जरिए किया गया था उसका निष्पादन के लिए हम लोगों ने यहाँ विभिन्न विभागों से बातें हुई। सड़क है, पानी है, नगर निगम आदि सभी चीजों पर चर्चा हुआ। झरिया में कांग्रेस और मासस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता जीतन चौहान के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी नेत्री रागनी सिंह ने कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। धनबाद के मेमको मोड़ से रविवार शाम को एक युवती के अपहरण मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। सघन अभियान में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है। वही अपहरण करने के आरोप में इनोवा चालक सहित दो अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई शुरू किया है और उसी के वजह से लड़की बरामद हो गया है और लिखित आवेदन पर इस पर कार्रवाई हो, मतलब पूछताछ के लिए है उसको, गाड़ी का ड्राइवर। तो धनबाद के मेमको मोड़ में ये घटना घटी थी, जहां युवती का अपहरण कर लिया गया था और उस मामले में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया। दूसरी खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में सिटी सेंटर कमर्शियल एसोसिएशन और चैंबर के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष AK मिश्रा ने बताया है कि मार्केट के दोनों तरफ अवैध तरीके से छोटे दुकानदारों का कब्जा है, साथ ही पार्किंग भी अवैध रूप से लगाई जाती है, जिसके कारण ग्राहक मार्केट में नहीं आ पाते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को परेशान दुकानदार सामूहिक रूप से भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है।
होना चाहिए गाड़ी उड़ी खड़ा होने के लिए, उसमें कम से कम 100-150 के करीब वो ठेला खुलचा वाले आकर के तीन तीन रो में बैठ गए हैं। एक कस्टमर भीतर ढुक नहीं सकता है, जो ढुक गया वो बाहर नहीं निकल सकता है। शाम को यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी होती है, चेन खींचा जाता है, लड़के लोग आकर के यहाँ पर शराब दारू पीते हैं। कोई देखने वाला नहीं रह गया कि आखिर ये 100-200 आदमी जो अपना दुकान लिए हुए है चला वो कैसे चले। प्रशासन को हम लोगों ने 4-5 बार इससे 10 बार अंगित कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का भी जो सहयोग हमको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल का होना चाहिए। गाड़ी उड़ी धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में कुएं में तैरता हुआ एक शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान गया निवासी सहदेव प्रसाद के रूप में की गई। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सहदेव और उनकी पत्नी के बीच 25 तारीख को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई और तभी से ही सहदेव के घर ताला लगा हुआ है। गया से धनबाद पहुंचे सहदेव के परिजनों ने 31 जनवरी को उनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था और आज उनका शव बरामद किया गया है। पुलिस मौत की वजह तलाशने में जुटी है। स्थानीय निवास जो है गया है, ठीक है। इनका कोई विवाद पत्नी के साथ था, वो बहुत पहले का था, ठीक है। उसकी पत्नी चली गई थी करीब 25 तारीख को ही, उसके बाद 29 तारीख से ये गायब थे, यहाँ पर दरवाजा लॉक था, ठीक है। इनके भाई को, इनके पिता को पता, जब पता चला, काफ़ी खोजबीन किए, काफ़ी खोजबीन के बाद नहीं मिला, तो ये 31 तारीख को आवेदन भी दिए थे लापता का चाटला थाना में, और उसका खोजबीन चल रहा था कि अचानक आज यहाँ पे सूचना मिली कि कुआं में लाश पड़ा हुआ। खबर अभी और भी है, मगर रुके एक छोटा सा ब्रेक के लिए। स्वागत है सभी का। ब्रेक के बाद केंदुआ के मछलीपट्टन स्थित कचरे में हुए विस्फोट में पास खेल रहे 3 बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में घायल बच्चों को करकेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया गया, जिसके बाद धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं विस्फोट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। विस्फोट स्थल से केंदुआ पुलिस ने विस्फोटक के कुछ अंश बरामद किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। खबर हजारीबाग से है, जहां चाय बेचने वाले को मारी गई है गोली। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मारी गई गोली, अज्ञात लोगों ने युवक के सीने में मारी गोली। घायल युवक धर्मेंद्र चौरसिया पंचशील कॉलोनी का रहने वाला। मौके पर पहुंचे सदर विधायक, चिकित्सकों ने घायल युवक को किया रिम्स रेफर। तो चाय दुकान चलाने वाले को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है, सीने में गोली लगी है, जहां उसे गंभीर हालत में रिम्स रेफर कर दिया गया। बिना कोई कारण के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति इस समय है, उसको हजारीबाग पुलिस को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। एकदम बिल्कुल ही कोई बिना किसी कारण के, जब किसी अपराधी का मनोबल तेज होता है, तभी इस प्रकार की घटना घटती है। गोली मारा गया है। सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, जिस तरह से एक चाय बेचने वाले को गोली मारी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके हाथ लग पाई है? क्योंकि एक चाय बेचने वाला जो दिन रात मेहनत कर 2 पैसे कमाता अपने घर चलाने के लिए, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बिल्कुल सारी सही सवाल है, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं चाय बेचने वाले की दुश्मनी नहीं रही है, लेकिन व्यवसायिक तौर पर सही तरह के कनेक्शन की बात आ रही है, और ये कनेक्शन अभी तक अनुसंधान का विषय भी बना हुआ है। खासतौर पर यदि बात की जाए पूरे प्रकरण में, तो ये पहला हत्या का मामला नहीं, खासतौर पर कनहरी के इलाके में ये
तीसरी हत्या का प्रकरण रहा है, लेकिन अभी तक पुलिसिया अनुसंधान में कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कह सकते हैं कि महज एक चाय बेचने का काउंटर रहा है, लेकिन इस शख्स के दो घर यहाँ पर चनहरी इलाके में रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे अनुसंधान को लेकर अभी तक स्पष्ट तस्वीरें नहीं आ पाई है, लेकिन दुखद कहा जा सकता है कि युवक की इस तरीके से निशंस हत्या की जाती है, अपने खेती कृषि कार्य को कर अपने घर पहुंचता है और हाईवे के रास्ते से गुजरता है, तकरीबन 9 बजे के तरीके की खबर आती है कि किसी ने गन पॉइंट पर लेकर उसको गोली मार दिया जाता है, तो कोई चाय वाले को मैं किसी भी द्वेष में गोली कैसे मार सकता है। जी जाहिर तौर पर कई सवाल है अमित, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस मामले में अब तेजी से जांच करेगी और तमाम बातें सबके सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें जाली नोट सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तब्रेज ने बताया है कि इनके पास से आधे छपे नोट और नोटों को प्रिंट करने का सामान भी बरामद किया गया है। राज्य जाली नोटों की छपाई और हेरा फेरी में संलिप्त शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हुआ यूं कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए हम लगातार वाहन चेकिंग लगाते हैं। एक व्यक्ति जो संदेह की हालत में था बैग लेकर आता दिखाई दिया, रोकने पर भागा और उसे पुलिस ने धर दबोचा। पूछने पर बताया प्रदीप मांझी हैं। तलाशी लेने पर उसके पैंट और बैग से रकम, एक मोटी रकम, पॉकेट से 6,700 रुपये और बैग से 3,02,900 रुपये बरामद किए गए। पूछने पर बताया कि ये जाली नोट हैं और इनका साथी पंकज बड़ाइक और फिर छत्तीसगढ़ के 2 जिले रायगढ़ और जशपुर के 2 साथी लोक सिंह और अमित यादव, ये सब मिलकर छपाई करने के बाद इन नोटों की हेरा फेरी उड़ीसा सीमा पर करते। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ लाइन भारत।